वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज के वीडियो का टॉपिक है बीएससी सेकंड सेम फिजिक्स पेपर टू यूनिट टू एस्ट्रोफिजिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है नोट डाउन एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉयड। एस्टेरॉयड जिसे उल्कापिंड के रूप में जाना जाता है। एस्टेरॉयड एक बड़ी चट्टानी वस्तु है जो सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करती है। एस्टेरॉयड खनिजों और चट्टानों से बने होते हैं और आकार में कुछ 100 मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक होते हैं। एस्टेरॉयड चट्टान या धूल के छोटे टुकड़े होते हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। वे धूमकेतु, ग्रह या और सौर मंडल के अन्य पिंडों से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। वायुमंडल से टकराते ही ये पिंड जल जाते हैं, प्रकाश के दृश्य निशान छोड़ते हैं, जिन्हें अक्सर शूटिंग स्टार्स कहा जाता है। मेटेरॉयड जिसे उल्का के रूप में जाना जाता है। एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड दोनों एक ही स्थान से आते हैं, फिर भी उनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। एस्टेरॉयड मेटेरॉयड की तुलना में बहुत बड़े होते हैं, वे व्यास में कई किलोमीटर तक हो सकते हैं, जबकि मेटेरॉयड आमतौर पर केवल कुछ मिलीमीटर के पार होते हैं। एस्टेरॉयड मेटेरॉयड की तुलना में बहुत धीमी गति से यात्रा करते हैं, आमतौर पर 1,00,000 मील प्रति घंटे तक कम गति से चलते हैं। जबकि मेटेरॉयड वायुमंडल से टकराने पर जल जाते हैं तो एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह को प्रभावित कर सकते हैं। एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड का हमारे सौरमंडल के विकास और पृथ्वी पर जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। एस्टेरॉयड ने ग्रह पर पानी और कार्बनी पदार्थ पहुंचाकर पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित किया है और जब वे जमीन से टकराते हैं तो बड़ी क्षति हो सकती है। मेटेरॉयड और एस्टेरॉयड सौर मंडल में विभिन्न पिंडों की संरचना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं और वैज्ञानिकों को यह जानकारी दे सकते हैं कि ग्रह और अन्य वस्तुएं कैसे बनती हैं।